आज गेट से गाड़ी के अंदर एंट्री करवा था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड आए, उन्होंने मुझे फ्रूट मारा। तो मैंने उनसे पूछा सब ठीक तो है साहब, 2 महीने तो मुझे सैलरी होगी, तो मुझे बड़ा फील हुआ। हम तो अपनी दिवाली बना रहे हैं, दिए भी हमने पास कर दिया है, बड़ी खुशी की बात है, हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है, पर उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 महीने की सैलरी का नहीं। मैं उससे आगे गया, जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा एक लेडी सफाई कर रही थी, जो प्रजा को गेट पे आपकी पार्टी के राकेश जी सारे सफाई कर्मचारी वो गेट पे बैठे थे, और जैसे मैं एंटर किया जोगीराम मुर्दाबाद जब मैं एंट्री किया था, तो मुझे मिलने के लिए अन्ना मैंने वहां से बचने की कोशिश की, उनके बीच में मैं खड़ा हुआ, सैलरी नहीं मिली थी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिली होगी भैया, मैंने कहा अभी आप फोन करके पता करो कि जॉन में सैलरी आ गई या नहीं आ गई। तो एक ने फोन मिलाया, मेरे को मना कर दिया, मैंने तुरंत उसका फोन पकड़ के बोला कि आप डीसी बोल रहे हैं, हाँ जी, मतलब आपको आज सैलरी का कोई मैसेज है? बोला कि हाँ, हमारे ऊपर हेडक्वार्टर से मैसेज आ गया और अभी सैलरी आ रही है। मैंने उसको फोन करवाया, मतलब जब दो दो तीन तीन महीने भी हो गए थे, चार चार महीने भी हुए थे, अब तो हम बिल्कुल अप टू डेट सैलरी दे रहे हैं। और भाजपा बदनाम हो, छोटा सा बताइए, ये पूरी राजनीति कब से पूरी हुई? अभी आपने डीए लिया, क्यों नहीं बता दिया? ये भी कर लेते जैसे अभी आपने डीए पिछला बताया, ये नहीं देगा, ये ट्रांसफर कर दो, आगे बढ़ रहे हैं अभी अभी क्या लिखा होगा आपको डीए पहले भी पावर ये क्या करने को लिए मतलब करने को भी है बाप है और बाप के कर्मचारी हित की बात है तमाम कर्मचारी अरे कर्मचारी हितों की बात छतरी पर अपने जवान में जाते नहीं नहीं देख रहे आप हमने मुख्यमंत्री जी को बोलिए अपने स्वतंत्र जी को बोलिए क्यों रुक के बैठे फाइलों को तमाचा बना के रखा हुआ है मीडिया की फाइल हाउस में भी
विकास गोयल ने इस चीफ एडिटर की रिपोर्ट को लेकर तीन बार हाउस नहीं कर ली थी। ये वही चीफ एडिटर की रिपोर्ट है और नहीं नहीं पीछे भी ये चीफ एडिटर की रिपोर्ट को लेकर जब कोई और बात समझ में नहीं आती थी ये विकास 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 गोयल ने अभी यहाँ पे अभी हम भैया एक मिनट यादव साहब मैं अभी अपने सफाई कर्मचारियों की सैलरी डिले हो रही थी और अधिकारियों के बारे में भाई अजय ने बात कही हमारे नेता सदन ने बात बिल्कुल सही कही है कि ट्रांसफर ड्यूटी के लिए 15 दिन तक हमारे अधिकारी दिल्ली सरकार में बैठे अगस्त का उन्होंने बिल सबमिट किया 62 करोड़ रुपए लेने थे वो हमारा हिस्सा है उसको देने में भी कोई ना कोई अड़ंगा पैदा कर दिया और अभी तक दोनों पैसे जो है अगस्त के सितंबर के अभी तक नहीं मिले। मैंने आज ही अपने डीसीए को बुला के पूरी रिपोर्ट मांगी बल्कि 3 दिन पहले मैंने उनको डांटा भी कि आप जाते भी हो नहीं जाते क्या कि एक आदमी परमानेंट वहां बैठा हुआ है और मैं परसों खुद भी होकर आया हूँ जब मैंने फोन किया तो वो खुद भी वहां बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में आप एक एक जरा जरा सी बात का जवाब मांग रहे हो मेरे से इतनी लंबी लंबी चौड़ी बातें जो कर रहे हो हकीकत आपको भी मालूम है। आप हमारे जो बंदे सभी जो कह रहे हैं आप मीडिया में अपनी बात रखने के लिए या अपनी बात कहने के लिए जो अजय भाई आप क्वेश्चन करते हैं ना विक्की भाई से समझो जरा कुछ नहीं नहीं मेरे से नहीं मैं विक्की से मैं विक्की भाई से कह रहा हूँ मुझसे सीखो तनखा के लिए जो पैसे वहाँ से नहीं आएंगे तो कैसे सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देंगे कैसे सफाई कर्मचारी को पैसे देंगे आपने बताया ना कहाँ से आते हैं आपको दूर आके भिजवा दूंगा आपको अभी जेल में लिए बैठे हैं क्या अधिकारी से आपके घर भिजवा देंगे भिजवा देंगे।